भाजपा वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री नरेंद्र बरागटा के निधन से जहां शिमला जिला में शोक की लहर है, लंबे समय से बीमार चल रहे नरेंद्र बरागटा ने आज 4:30 बजे प्रातः अंतिम सांस ली। नरेंद्र बरागटा सरल स्वभाव तथा मृदुभाषी स्वभाव के थे। चंडीगढ़ से लौटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बीते कल भी वह चंडीगढ़ PGIU ने देखने के लिए गए थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बीते 2 दिन पहले जब उनकी बात मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा से हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अब नॉर्मल आ गए हैं तथा अब उन्हें कुछ दिन दवाइयों पर रखने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। परंतु जब बीते कल उनका कुशल क्षेम जाने के लिए गए तो डॉक्टरों ने बताया कि उनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। तत्पश्चात आज प्रातः सुबह 4:30 बजे उनका आकस्मिक निधन हो गया, जो कि बेहद दुखद समाचार रहा। व्यक्तिगत तौर पर भी नरेंद्र बरागटा के साथ मेरे मधुर संबंध थे तथा पार्टी सरकार एवं संगठन उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को कभी भूल नहीं पाएगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है तथा मंत्रिमंडल की बैठक भी होना तय की गई थी, लेकिन भाजपा वरिष्ठ नेता के बिछड़ने के चलते सभी कार्यक्रमों को रद्द किया गया है। और नरेंद्र बरागटा जी हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे और वे व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूं उनके इस दुखद मृत्यु से, आकस्मिक मृत्यु से। पिछले दिनों लगभग कुछ 6 दिन पहले मुझसे बातचीत हुई थी उनकी, और बातचीत में उनने कहा कि मैं स्वस्थ हूं, मेरे वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ गई है, कुछ भी मैं यहाँ पर नॉर्मल डिटेक्ट नहीं हुआ है और अब कुछ मेडिसिन पर डॉक्टर्स ने कहा कि हम शुरू करेंगे और उसके बाद आपको डिस्चार्ज भी करेंगे। और पिछले सैटरडे को जो मुझे बताया उनके परिवारजन ने कि डिस्चार्ज भी करने के लिए डॉक्टर ने तैयारी कर दी थी, लेकिन उसके बाद थोड़ी तबीयत खराब होने की वजह से फिर उनको हॉस्पिटल में रखा गया और तबीयत बिगड़ती गई। पिछले कल हम चंडीगढ़ गए थे और उनको देखने के लिए भी PGIU गए तो मालूम पड़ा कि वो वेंटिलेटर पर हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं और काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब है। अंदर जाकर के जब डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने भी ऐसे कहा कि काफ़ी क्रिटिकल है इसी सिचुएशन में, तो तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि वो इतने गंभीर हैं। आज सुबह 4:15 बजे उनका देहांत हुआ और हमने एक अपना एक साथी खोया है, मित्र खोया है, और हिमाचल प्रदेश ने एक पार्टी का, हमारी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक वरिष्ठ साथी, एक नेता खोया है। ऐसे विधानसभा क्षेत्र से जहां भाजपा की जीत कठिन मानी जाती रही लंबे समय तक, उस विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल करना और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल में मंत्री के नाते दायित्व का निर्वहन करना, पार्टी में पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के नाते विभिन्न दायित्व पर का निर्वहन करना और ख़ास तौर से बागवानों और किसानों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करना, ये उनके बहुत रुचि का विषय, क्योंकि खुद भी अपने आप वो एक बहुत बड़े बागवान हैं। और ऐसे में इन सारी चीज़ों से एक अपनी अलग तरह की छवि उन्हें हिमाचल प्रदेश में बनाई। अभी भी वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सम्मानित सदस्य हैं, विधायक थे और विधायक होने के साथ साथ में चीफ व्हिप के नाते कैबिनेट के दर्जे के साथ उनको हमने सम्मान दिया था। और इस दुखद मृत्यु से निश्चित रूप से हम आहत हैं और ये क्षति पूरे प्रदेश के लिए है, पार्टी के लिए है, सरकार के लिए है और प्रदेश के लिए है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। परिवार वाले इस दुख को सहन करने की जो है वो हिम्मत करे, ऐसी भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।